हे गाइस व्हाट्सअप, तो कैसे आप सब लोग। सबसे पहले मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि आप लोग अपने स्कूल लाइफ में कैसे थे, डिसेंट या फिर बहुत ज़्यादा शरारती। वैसे मैं अपने स्कूल लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसेंट था। क्यों? अभी क्यों ये तो पूछो मत। बाकी मैं आपको आज के गेम प्ले वीडियो के बारे में बताता हूँ, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग खेलने जा रहे हैं एक बहुत ज़्यादा बढ़िया गेम जिसका नाम है द बुली। बेसिकली ये गेम में अपन एक बहुत ज़्यादा शैतानी बच्चा रहता है जो कि बहुत ज़्यादा बचपन से शैतानी करता है एंड जो भी उसके मन में आता है सभी वो चीज़ें करता है। तो चलो यार देखते हैं कि आज वाले वीडियो में क्या होता है। ओके सो गाइस, अभी अपन आ चुके हैं अपने गेम के स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने पेरेंट्स अपने को हॉस्टल में छोड़ चुके हैं एंड अपन यहाँ पे अकेले बच्चे हैं। और हॉस्टल में एंटर होते ही अपने सामने इतना बड़ा स्कूल है गाइस, और यहाँ से मैं बाहर निकल की कोशिश कर रहा हूँ बट नहीं निकल सकता। एंड अपने को एक मिशन मिला जिसका नाम है गो टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस। ओके जाऊँगा, रुको भाई थोड़ा गेम को तो देखने तो कैसा है। हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आपको पता है यूट्यूब में एक मस्त यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है आकाश ठर, जाओ जाके सब्सक्राइब करो ना। अरे बाप रे, लगता है इनको लड़ने का मूड है यार इनका आज। तू तो गया बेटे, तुझे पता नहीं मेरी कहानी क्या है। मैं अपने स्कूल में बहुत बड़ा गुंडा रह चुका हूँ, इंदर नगर का गुंडा मैं ही हूँ। इंदर नगर का गुंडा हूँ मैं। मेरे से ज्यादा पंगा मत लो वरना मुंह की खाओगे ऐसे। चलो हो गया अपना। अबे सर अपने पीछे पड़ गया। नहीं भाई, नहीं 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 सर, सॉरी सर, जस्ट थोड़ा टाइम पास कर रहा था, मेरे पीछे मत पड़ो, सॉरी। अरे भाग भाई भाग भाग भाग। एक मिनट, ये लोग अपने पीछे पड़ने से पहले अपने को कोई प्रिंसिपल के ऑफिस जाने का आया। अच्छा तो अपन नए स्टूडेंट है ना, अभी प्रिंसिपल के ऑफिस जाने तक ये लोग अपना पीछा करते रहेंगे। ठीक है यहाँ से नहीं जा सकते टीचर से, यहाँ पे वहाँ लेफ्ट में दिख रहा है प्रिंसिपल का ऑफिस, चलो जाते हैं। पता नहीं क्या करेगा वो, क्या बोलेगा। Few minutes later. Okay, तो गाइस प्रिंसिपल की बक बक सुन के मैं बहुत ज़्यादा पक गया हूँ। तो उसने ये कहा है कि अपन जैसे अपन स्कूल में नया है, और मैं आपको बता दूं कि इसका नाम जो लड़के का नाम है उसका नाम हॉपकिंस है एंड ये स्कूल में नया है। और बाप रे ऊपर से कूद गया मैं। एंड तो अभी अपने को एक मिशन मिला है कि अपने को अपने डॉर्मेट्री में जाने का है। डॉर्मेट्री मतलब वही अपना जो हॉस्टल रूम्स रहते हैं ना, बेडरूम्स, वहाँ पे। और जाके सबसे पहले मुझे अपने कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। चलो भागते भागते अपन हॉस्टल भी पहुँच गए इधर। ये क्या भाई, अंदर भी नहीं जाने दे रहे, लगता है इनको सबक सिखाना पड़ेगा। अरे तुझे पता नहीं ब्रो मैं क्या कर सकता हूँ। चलो अभी इसको ख़त्म कर सकते हैं आराम से। बेटे कैसा लगा मेरा मुक्का? चलो इसको फाइनली ख़त्म कर देते हैं अभी। चलो चलो बहुत हो गई शैतानी, अभी तुम लोगों से मैं नहीं लगाने वाला बार बार, समझे। पीछे देखो, पीछे, बिल्कुल है वो। स्वागत तो करो हमारा। ये कौन है भाई? अबे मोटे गेंडे मार मत यार। सर बचा लो सर, ये कोई मोटा गेंडा मेरे पीछे पड़ गया। ए नए लड़के जाओ जाके यूनिफॉर्म पहन, इसलिए वो तेरे को मार रहा है, जा चुपचाप। सर यूनिफॉर्म मैं पहनता हूँ सर, यूनिफॉर्म पहनता हूँ, जाने नहीं देते सर मेरे को, डॉर्मेट्री के अंदर भी नहीं जाने दे रहे लोग तो। 12 seconds later. Okay guys, अभी अपने पास एक नया दोस्त मिला है अपने को जिसका नाम है गैरी। इधर आप देख सकते हो ये जो हैंडसम लड़का है ना वही है अपना दोस्त। और अभी गो टू योर रूम एंड चेंज योर यूनिफॉर्म। अच्छा ठीक है, पर नए बंदे हैं ना इसलिए अभी अपने को यूनिफॉर्म भी मिलेगा इधर से। यूनिफॉर्म, अच्छा ये मेरा रूम है गाइस, ये मेरा रूम टूर है, देख लो। चलो कपड़े भी बदल लिए जाए। ओके गाइस जैसा कि आप देख सकते हो इतने सारे कपड़े यार मेरे पास, ये देखो इतने सारे कपड़े। मजाक कर रहा हूँ यार, बस दो ही कपड़े दिए मम्मी पापा ने, क्या करूँ भाई, क्या जिंदगी हो गई मेरी। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। नहीं चलो स्कूल यूनिफॉर्म पहन के चलते हैं। चलो अभी देखते हैं और क्या कर सकते हैं। वैसे हैंडसम लग रहा हूँ ना। मस्त जोक मारा रे। चलो अभी अपन शांति से जाते हैं इधर, किसी से भी झगड़ा नहीं करने का है गाइस, क्योंकि बहुत झगड़े कर लिए ऑलरेडी अपन। चलो चुपचाप बाहर जाते हैं इधर से सबसे पहले। ओके गाइस बाहर तो आ गए, अभी अपने को स्टार मार्क दिख रहा है आपको मैप में, उधर जाने का। उधर जाने के बाद ही पता चलेगा कि आगे क्या होगा अपने साथ। गाइस अंदर जाने से पहले सर आप इस स्कूल को देख लो यार, इस प्रीमिसेस को देख लो आप। ये सब देख के आपको ऐसा लगता है कि पूरा स्कूल नल्ले लोगों के लिए? नहीं ना, मेरे को तो ये स्कूल बहुत बढ़िया लगा यार। बट फिर भी अपन इतने भी शरीफ बंदे नहीं है इतने अच्छे अच्छे काम करने के लिए, ठीक है। तो अपने को बहुत कुछ करने का इधर। येलो एरोस आर यूज्ड टू हाईलाइट योर गोल्स। अच्छा अभी अपने को एक्सप्लोर करना है स्कूल को गैरी के साथ में। चलो ये अपना फ्रेंड है गैरी, अपने को पूरा स्कूल घुमाने का वादा किया। एंड ये मोटा सांड वापिस आ गया भाई। अभी देख मैं सीधे बोल रहा हूँ भाई, मुझे छोड़ दे प्लीज़, मुझे छोड़ दे यार। कम ऑन यार, अभी दोस्त ही बनते, दोनों ही शैतान है, अभी दोनों शैतान मिलके और शैतानी करेंगे, दोस्त बन जाना यार। अबे ओ सुन। हाँ भैया। तेरे पास जितने पैसे सब निकाल के दे दे मुझे। 150 रुपया देगा। चलो यार तू भी क्या याद रखेगा गरीब।
बहुत पैसा है गाइस, मेरे पास बहुत पैसा है समझे। ले बेटे, पैसे देते ही अपना दोस्त भी बन गया। चलो कोई नहीं, पैसों के सामने अच्छे अच्छों की बात लग जाती है, भाग ले। गाइस मैंने उस मोटे को पैसे तो दे दिए, बट मेरे अंदर का शैतान अभी भी जगा हुआ है गाइस। उसका नाम है रसल और उसका लॉकर ये आप देख सकते हो सामने है। अभी मैं ट्राई करूंगा इसके लॉकर को खोलने की एंड जो भी उसने मेरे से पैसे लिए उन सबको वापस ले लूंगा, और पैसों के साथ साथ कुछ और चीजें भी होंगे उससे। बहुत तेज हो रहे हैं। उसके पास से वापस ले लेंगे वो सभी चीजें, और ये लॉकर को पहले खोल लेते हैं। खुल गया, बढ़िया। अभी इसके पास क्या होगा? अरे इसके पास तो खाली एक कैप है, छोड़ो भाई इसके पास तो कुछ भी नहीं है ज्यादा। एक मिनट, अपने को कोई देख लिया शायद, रेड डॉट आ रहा है भाई, कोई तो अपने पीछा करेगा भी। एक मिनट सर, सर नहीं सर, मैं कुछ नहीं चुरा रहा था सर, मैं बस अपने दोस्त का लॉकर देख रहा था। अरे अपना दोस्त गैरी तो भग गया भाई, मैं क्या करूँ। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ। चलो एक काम करते हैं, डस्टबिन में छुप जाते हैं। चलो फटाफट से छुप जाओ। कहाँ है सर? मैं कुछ नहीं कर रहा था सर, जस्ट इधर बैठा हूँ, मुझे अच्छा लगता है डस्टबिन में बैठना, ठीक है। ओके गाइस, लगता है अपना मुसीबत टल गया। सर को पता भी नहीं चला और मैंने गैरी के लॉकर से बहुत कुछ चुरा लिया। अभी अपना दोस्त गैरी किधर है? भाई तू ऐसा ही दोस्त है क्या, मुसीबत के टाइम पे छोड़ के चला जाता है? भाई नया हो, कुछ तो समझा, कुछ तो सीखा ना, क्या दोस्त है यार तू। अरे भागता किधर है रे तू, मुझे माफ कर दो। ओ एक मिनट, ये कौन है यार? एक मिनट, इसका नाम क्या है? यूनाइस। अच्छा हेलो यूनाइस, नाइस टू मीट यू। चलो तुझसे भी दोस्ती कर लेते हैं, वैसे तू भी क्या याद रखेगी। अच्छा गाइस, यूनाइस बोल रही है कि उसका चॉकलेट किसी गंदे बंदे ने ले लिया है, और आपको पता ही है अपन हॉस्टल में आए अच्छे बच्चे बनने के लिए, तो अभी यूनाइस तो अपनी दोस्त बनना चाहती है, तो लगता है उसका चॉकलेट अपने को रिटर्न करना पड़ेगा। तो अपन जाते बाथरूम में, उसका कोई एनिमी है, वो एनिमी ने इसका चॉकलेट चुरा लिया, इसका चॉकलेट वापस लाने के लिए बाथरूम तो जाना पड़ेगा। तो चलो अभी अपन चुपचाप ये बाथरूम के अंदर जाते हैं, उससे चॉकलेट छीन लेते एंड इससे यूनेस को दोस्ती करके इम्प्रेस कर लेंगे। चलो चॉकलेट दे दे भाई, मुझे चॉकलेट दे दे, मुझे तुझसे कुछ नहीं करना, सिर्फ चॉकलेट दे दे बस। ओके सो गाइस, लगता है अपने को चॉकलेट्स मिल गए यूनेस के, इसको फटाफट से चॉकलेट्स लौटा देते हैं। चलो यार बढ़िया, इसके चॉकलेट्स तो इसको मिल गए, कैसे कितनी मुश्किल से तेरे चॉकलेट्स मिले पता है। ओके गाइस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, आज मैंने बहुत ज़्यादा शैतानी की है, मम्मी से बहुत ज़्यादा डांट पड़ने वाली है आज। अगर आपको वीडियो में मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको अगले वाले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए